बिंदास बॉल। मंडी के कैंप्स में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है यहाँ जारी है। इस कार्यक्रम का जो मेन जो शीर्षक है, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को नाम दिया है, वो है कैंप्स टू कॉर्पोरेट। और इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा इसे प्रायोजित किया गया है। बड़े भाग्य खुशी और अच्छे भाग्य की बात है कि आईटीआई मंडी को पूरे भारतवर्ष में मारुति बोल बिंदास बोल सुजुकी ने कुछ चुनिंदा जो आईटीआई पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत चुनी है, उसमें हमारी आईटीआई मंडी का भी नाम है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बच्चों के लिए जो यहाँ के ट्रेनी हैं, जो यहाँ से ट्रेनिंग करके निकलेंगे, उन ट्रेनी के लिए भी यह कार्यक्रम बहुत ही सहायक रहेगा, ऐसा अब तक की जो फीडबैक आई है इतने दिनों से ऐसा हमें लग रहा है उसको देख के। तो मारुति सुजुकी ने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो हिंदुस्तान की स्किल डेवलपमेंट पर सेमिनार लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को हायर किया है, और इस कंपनी की ओर से यहाँ इस इंस्टीट्यूट की ओर से मिस्टर गुरुबच्चन सिंह बोल बिंदास बोल और मिस्टर विक्रमजीत कोहली यहाँ इस कार्यक्रम में जो है यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है मारुति सुजुकी का। मैं बताना चाहूँगा कि आईटीआई मंडी उन चुनिंदा आईटीआई में से है पूरे भारतवर्ष में जिनको मारुति सुजुकी कंपनी ने गोद लिया हुआ है, और उसी के तहत यह कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे हमारा मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, इनके जो ट्रेनिंग यहाँ से निकलेंगे ट्रेनिंग करके, उनको इस कार्यक्रम द्वारा प्लेसमेंट में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसमें इनकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है, कैसे जाके वहाँ कॉरपोरेट का हिस्सा ये लोग बनेंगे, और जिस कॉरपोरेट में जाएंगे बोल बिंदास बोल वहाँ कैसे इनको अपनी जॉब जो है सिक्योर करनी है, कैसे वहाँ एक अच्छा वर्कर बनना है, ये इस कार्यक्रम का मोटो है। और इसी ट्रेनिंग के तहत हर रोज अलग अलग शीर्षक रहता है इस ट्रेनिंग का। और आज जो है आज क्वालिटी, आज का जो इनका आज की जो पढ़ाई चली हुई है ऊपर, ये है इसका आज का विषय है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट इनके हाथ से बनेगा, उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और एक क्वालिटी देना बड़ा ज़रूरी है। बोल बिंदास बोल। नमस्कार, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ मंडी इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ मंडी इकाई के द्वारा मंडी जिले के अंदर जो है रोहड़ू गांव जो तुंगड़ू गांव है, वहां पे जो आग के कारण जो राख हो गया था पूरा का पूरा गांव, उसके लिए जो वहां पे आज यहां पे मंडी में जो है रात को इकट्ठा किया गया, जिसमें विद्यार्थी सद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। एक विद्यार्थी सद छात्र संगठन के साथ साथ एक क्या बोलते हैं एक छात्र संगठन के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी है, जैसे बोलते आए हम और समाज बोल बिंदास बोल आज में इस तरह की घटनाएं घटती है, तो विद्यार्थी सद उसके लिए जो है आगे आके जो है इसका सहयोग करता है। और आज भी विद्यार्थी सद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जो है धन एकत्रित किया, और अधिक से अधिक धन एकत्रित करने की कोशिश रहेगी, जिससे हम उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोल बिंदास बोल
शिमला, ये पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस तरह का जो है ये कलेक्शन जो चली हुई है, इसके रात को विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ता जो इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारी ये अधिक से अधिक कोशिश रहेगी कि सभी लोगों को, उन लोगों तक हम ये चीज़ें पहुंचाएं और लोगों तक जाएं और लोगों को अप्रोच करें कि इस तरह की घटना जो हमारे समाज के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो देखने को मिली है, उसके लिए जो है आगे चल के उनकी सहायता करें। बोल बिंदास बोल। भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई शिव, आज विद्यार्थी परिषद जो मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से कहना चाहूँगा, जो शिकारी देवी में दो लड़कों का देहांत हुआ उसमें मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ और प्रशासन से मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि ऐसी जगह पे वो साइन बोर्ड तैनात करें और लोगों को जागरूक करें कि इतनी बर्फबारी में और कहीं भी जहाँ पर आजकल कोई भी पत्थर गिरने हैं, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो साइन बोर्ड लगाएँ और लोगों को जागरूक करें। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा ध्यान देने की ध्यान दें और वो हर जगह जहाँ पर शिकारी देवी है, कमरनाग है, जहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, वहाँ पर पर्यटन स्थलों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। बोल बिंदास बोल। दुखद खबर जो थी वो मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती रही, वो थी शिकारी देवी में मृत पाए गए दो इंजीनियर छात्रों को लेकर। तो जब इसकी गहराई में जाया जाए बात की, तो पहली बात तो ये है कि वो दोनों जो छात्र थे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, फाइनल ईयर के छात्र थे, पढ़े लिखे थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्थानीय थे, हिमाचल के लोकल वासी थे, पर्यटक नहीं थे। तो एक दिन पहले जब वो बोल बिंदास बोल जैली में जाके रात में रुके, तो वहाँ पे भी वो जब जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ जब मौसम के हालात देखे, बर्फबारी चल रही थी, सब कुछ देखा, तो स्थानीय निवासियों ने भी उनको एडवाइस किया कि आप जो है वो आगे मत जाइए, शिकारी देवी वाले रास्ते पे जो है वो बहुत खतरा है, जंजैली से आगे बिल्कुल भी लोग जो है आजकल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय गांव वाले हैं वो भी अब जंजैली तक जो उनका आना जाना है कुछ दिनों से उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि मौसम का बीच में कहीं भी खराब बोल बिंदास बोल होने का अंदेशा बना रहता है। उसके बाद वो 6 में से 4 अगर स्टूडेंट वापस आ जाते हैं, तो 2 स्टूडेंट अगर आगे निकल जाते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की इसमें कोई गवर्नमेंट की फेल्योर है या इसमें कोई प्रशासन का फेल्योर है। सीधी सी बात है, या तो वो पर्यटक होते तब भी माना जा सकता था कि पर्यटकों को पता नहीं होता, स्थानीय होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके पास सारा सिस्टम है, मोबाइल में आपको नेट से 1-1 मिनट की वेदर रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद भी अगर आप आगे जाते हो, ऐसा फैसला लेते हो, जोखिम से भरा हुआ फैसला लेते हो, तो इसमें इसको बहादुरी नहीं कहा जाएगा, इसमें तो इसको मूर्खता ही कहा जाएगा। जब सारे साधन आपके पास, पूरी सूचनाएं होने के बावजूद भी आप इतना रिस्क ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में, बोल बिंदास बोल, अपने घर वालों के बारे में, सबके बारे में सोचकर इस तरह का रिस्क लेना चाहिए। या मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ आजकल के युवाओं में आ चुकी है, वो है एक ग्लैमर को लेके, या सोशल मीडिया में जो ये चीज़ें ट्रेंड करती हैं, जैसे मान लो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन चीज़ों पे एक सेल्फीज़ का भी एक तरह से आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि आप कोई भी ऐसी जोखिम वाली फ़ोटो या किसी ऐसी जगह में जाके कोई अपना सेल्फी लो और अपना अपडेट करो फेसबुक पे और अपनी उसमें बहादुरी दिखाओ। तो मुझे लगता है ये युवाओं में कहीं ना कहीं जो ये एक स्वभाव बन गया हुआ है, एक बुरी आदत जो आ चुकी है, इस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। युवाओं को खुद से सोचना चाहिए कि जब वो जोखिम उठा रहे होते हैं तो उस जोखिम का खामियाजा कहीं ना कहीं उनके परिवारजनों को और उनके प्रियजनों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये इसके जितनी भी इसका दुख प्रकट किया जा सकता है या उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की जा सकती है, लेकिन ये कटु सत्य है कि वो दोनों युवा जो है वो बोल बिंदास बोल वापिस नहीं आ सकते। तो मेरा अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि परिजनों से भी, कि जब वो अपने युवाओं को, अपने बच्चों को किसी तरह से अभियान पे जब वो जा रहे होते हैं, तो उनको पूरा उनसे अपडेट लेते रहें और उनको जगह जगह पे गाइड करें, और युवा भी कहीं ना कहीं अपने आप से इस चीज़ को समझें, इस चीज़ों को, कि जहाँ भी है ऐसी कोई, ऐसा किसी तरह का कोई जोखिम जो है वो उठाने से बचें, ताकि जो है वो व्यवस्था में भी और किसी तरह का सरकार पे भी या प्रशासन पे भी इसमें वो ना आए। इसमें प्रशासन का फेल्योर हालांकि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता, पूरी जानकारी होने के बावजूद भी अगर वो बच्चे आगे गए हैं तो फिर ये जोखिम ही कहा जाएगा और उनकी तरफ बोल बिंदास बोल।
से उठाया गया एक गलत कदम है, जिसकी परिणति भी जो है वो एक गलत रूप में, दुखद रूप में हमारे सामने। बोल बिंदास बोल। तो मतलब यहाँ से हम रिवासर में आए, यहाँ के जो मंडी के मंडी जिला मंडी में पड़ता है रिवासर, वहाँ आए जी। रिवासर में हम सर्दियों को आते हैं रिवासर में घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए वहाँ। बोल बिंदास बोल।